किसानों के भारत बंद का जिला हमीरपुर में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। हमीरपुर में सुबह के समय सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान कमोबेश खुले नजर आए और परिवहन और ट्रैफिक व्यवस्था भी आम दिनों की तरह सामान्य चलती नजर आई। हालांकि बंद के ऐलान के चलते बसों में लोगों की आवाजाही बहुत कम देखने को मिली। शहर में सब्जी वाले मंडियों से सब्जी लेकर वाहन सही समय पर पहुंचे। बस ऑपरेटर रमेश चंद ने बताया कि भारत बंद के ऐलान के कारण आज बसें तो सुचारू रूप से चल रही हैं, मगर आम जनता ने घरों से निकलने से परहेज किया है। उन्होंने कहा कि जिला में सरकारी व प्राइवेट बसें सामान्य रूप से चल रही हैं। आज भारत बंद जो किसानों द्वारा बुलाया गया है उसमें प्राइवेट बसें तो चल रही हैं, सरकारी बसें भी चल रही हैं, लेकिन जो लोगों के मन में ये बात बैठ चुकी है कि आज भारत बंद है तो घर से लोग नहीं निकल रहे हैं और बसें खाली जा रही हैं। अब हमारी इसमें क्या राय हो सकती है? आह्वान पे जो बंद किया गया है तो लोग घर से निकल नहीं रहे हैं। व्यवसायी विजय वर्मा और विकास शर्मा ने कहा कि व्यापारी वर्ग का पूरा समर्थन किसानों को दे रहे थे, मगर आज व्यापार मंडल ने बंद न करने का निर्णय लिया, जिसके बाद दुकानें आज खुली हैं। उन्होंने कहा कि व्यापारियों के आपसी असमंजस के कारण बाजार खुला है। मंडल ने पिछले कल तो समर्थन था व्यापार मंडल का सभी के साथ, कोई बोलता है कि व्यापार बंद है, कल बंद है, कल बंद है, हिमाचल वाले व्यापारी बोलते हैं कि नहीं खुला है, कल तक हम इसके साथ थे, मगर आज नहीं है। आज भारत बंद है, लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यापारी किसानों का समर्थन नहीं करता है। हम व्यापारी वर्ग, हम खुद एक किसान हैं, तो हम किसानों का समर्थन करते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसान कुछ राजनीतिज्ञों के हाथ में आके उनकी कठपुतली बन रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान ऐसा नहीं है कि अनपढ़ हैं, बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये लोग कुछ राजनीतिज्ञ इनको अपने खेल के जाल में फंसा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यापारी वर्ग जो है वो किसानों के साथ नहीं है, हम लोग किसानों के साथ हैं और उनका समर्थन भी करते हैं, लेकिन हम लोगों ने कोरोना काल में, जैसे मैं अपनी बात करूं तो हमारे पास कितने वर्कर हैं तो इनकी पे भी देनी है, तो हम दुकान बंद करके उनका समर्थन नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमारी जो व्यापारिक स्थान है वो सारे खुले हैं, लेकिन किसानों का हम साथ देते हैं और हम लोग खुद एक किसान हैं। बंधु देखिए, हमेशा ही जय जवान जय किसान नारे के साथ हमेशा तत्पर हमेशा खड़ा रहा है, लेकिन हमें कल तक यही सिचुएशन क्लियर नहीं और सुबह मॉर्निंग तक यही सिचुएशन क्लियर नहीं हो पा रही थी कि क्या व्यापार शॉप्स खुली रहेंगी या बंद रहेंगी। हम एक दूसरे को कॉल करके कंफर्म कर रहे थे, हम अभी भी किसान भाइयों के साथ खड़े हैं, दिल से खड़े हैं। बंद होना चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस फैसले को जल्द से जल्द लागू करे, हम किसान भाइयों के साथ दिल से खड़े हैं। व्यापार तो खुला ही रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है कि बंद हो जाएगा, जैसे कि हम किसान भाइयों के साथ हैं वैसा नहीं है कि हम व्यापार बंद करेंगे तो किस में किसानों के इसमें चला जाए कि दुकान बंद करें, क्योंकि व्यापार तो चलता ही रहेगा। इससे कि हम व्यापार मंडल के साथ, व्यापार मंडल में जो इन्होंने हमारे को बताया यहाँ पे कि दुकान ओपन करनी है वो तो चली रहेगी, हमारी ओपन रहेगी, पर यह कि केंद्र सरकार को भी फैसला किसान के हित के लिए कर देना चाहिए। हम भी दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, जैसे हमारे व्यापार मंडल के प्रधान हैं, उन्होंने बताया है जी बाज़ार खुला है, हमीरपुर का बाज़ार खुला नहीं है, पूरे प्रदेश खुला है। हम किसानों का समर्थन करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दुकानें बंद करके उनका समर्थन करते हैं, हम खोल के भी समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से भी गुजारिश करते हैं कि किसानों का न्याय होना चाहिए। क्या हम जो है जो भारत के किसान हैं उनके साथ हैं और व्यापार मंडल के आह्वान पर हमने भी अपनी दुकानें खुली रखी हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा बाज़ार खुला है। खुली है, किसानों के साथ तो मेरा पूरा समर्थन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग भी किसान पृष्ठभूमि से ही आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं तो किसान पृष्ठभूमि से ही पहुँचे हैं, लेकिन बंद करना कोई एक सोल्यूशन नहीं है। अभी सरकार के साथ किसानों की बातचीत चली है और 9 तारीख को आने वाले में फिर बात होगी, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। तो उससे पहले बंद करना या कोई और तरीके से हिंसा फैलाना ये गलत तरीका है, क्योंकि सरकार अभी टेबल से पीछे नहीं हटी है, गवर्नमेंट उनको बुला रही है, टेबल पे बात कर रही है, और मैं समझता हूँ कि 9 तारीख को कोई ना कोई सलूशन निकलेगा। हाँ, उसके बाद अगर नहीं निकलता है तो किसान अगर कुछ बोलेंगे तो हम उनके साथ फिर चल पड़ेंगे।
लेकिन सरकार ने भी उनकी भलाई के लिए काम किया। मैं आज देख रहा था कि नरेंद्र तोमर जी से कुछ प्रेस और कुछ अपना लीडिंग किसान लोग मिल रहे थे और उनका धन्यवाद कर रहे थे कि जी हमारे बेनिफिट में है और इसको वापस ना किया जाए। तो जब तक किसानों में आपस में कोई सहमति नहीं होती है और कुछ मिसप्रिंटेड हो चुके हैं, मतलब मिसगाइडेड हो चुके हैं, जो कि इस बात को उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि जैसे एमएसपी के बात कर रहे हैं बार बार, तो सरकार एमएसपी कभी भी लिख के नहीं देती है, आज दिन तक हुआ भी नहीं है, क्योंकि वो मोमेंटली होता है। हो सकता है कि साल कणक की गंदम की फसल ज़्यादा है तो उसके तो थोड़ा सपोर्ट प्राइस मिल जाएगा, लेकिन ये होता है कि किसान भी बेचारा ज़रूरतमंद होता है तो वो औने पौने भाव में बेचने की कोशिश करता है कि नगद पैसे थोड़े जेब में आ जाएं। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इस बात पे सरकार से थोड़ा सा किसानों के प्रति ये चाहूँगा कि वो एमएसपी पे थोड़ा सा ध्यान दे। बाकी तो कानून इतना अच्छा है कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता।